सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग उस देश के कुल उत्पादन को दर्शाता है। ये सभी उत्पादन देश की सीमा के भीतर हुए हैं, अर्थात एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। घरेलू अर्थात देश के भीतर सकल घरेलू उत्पाद की गणना का कार्य केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय केंद्र एवं राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और इनकी सहायता से सकल घरेलू उत्पाद GDP ज्ञात किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद करोड़ रुपए में। छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2004 से 5 स्थिर मूल्यों पर। उपर्युक्त रेखाचित्र से स्पष्ट है कि वर्ष 2004 से 5 एवं वर्ष 2013 से 14 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति बढ़ने की है। गैर भुगतान क्रियाओं की समझ एवं महत्व। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अंतिम उत्पाद के मूल्य को ही लिया जाता है। जिस मूल्य पर वे खरीदी या बेची जाती हैं उसी के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिसके लिए कोई कीमत प्रदान नहीं की जाती है, पर ये कार्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे कार्य जो बेचे या खरीदे नहीं जाते और जिनके लिए मुद्रा का भुगतान नहीं किया जाता, उन्हें सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये गैर भुगतान क्रियाएं हैं। इससे सकल घरेलू उत्पाद वास्तव में कम दिखाई देता है। अगर ये महत्वपूर्ण उत्पाद के कार्य शामिल करके गिने जाएं, तो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे कार्यों की गणना भले ही आर्थिक क्षेत्र में ना हो, फिर भी इनका एक विशेष महत्व है। ऐसे ही कार्यों से हमारा परिवार एवं समाज चलता है। इनमें से अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों के लिए उन्हें पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता है, जैसे घर में खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना आदि।